हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारा सा हार बनाना बताएंगे और बहुत इजी वे में आप ऐसा हैवी हार बना सकते हो। तो ये माता रानी के लिए या लक्ष्मी माता के लिए या फिर राधा कृष्ण के लिए, किसी के लिए भी ये बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए मैंने ये मोतियाँ ली हैं, नॉर्मल जो दो नंबर की मोती होती हैं वही हैं, वाइट कलर की ली है, पर्ल ली है और ये सुई ली है, नॉर्मल हमने ये धागा लिया है। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फोर मोती डालनी है। तो सुई में हमने ऐसे, ये देखिए फोर लेयर लिया है हमने धागे का। अब इसमें फोर मोती हम इसमें पिरोएंगे और पिरोने के बाद फिर हमें इसको नॉट लगा देना है। तो ये लास्ट में देखिए लाएंगे, लास्ट में लाते हुए हमें इसमें नॉट लगा करके हम इसको टाइटली नॉट लगाएंगे, जिससे कि ये हमारा खुले नहीं। तो ऐसे करके देखिए नॉट लगाना है, नॉट लगा के हम इसको दो तीन बार नॉट लगा के हम इसको टाइटली बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नॉट लगा लिया है। नॉट लगाने के बाद ये जो मोती है इसी से ऐसे करके सुई को निकाल लेंगे। तो हमारी एक साइड सुई का धागा चला गया है, तो धागा एक साइड हो गया है। अब हम तीन मोतियाँ इसमें पहले पिरो लेंगे और पिरोने के बाद अपोजिट साइड से हमें मोती सुई को अंदर करना रहेगा। तो ये देखिए हमने थ्री ऐसे किया, अब उधर से मेरा धागा था और इधर साइड से हम इसको पिरोएंगे सुई को और ऐसे करके खींच देंगे। टाइटली खींचना है जैसे ये निकले नहीं। अब हमें क्या करना है, हम देखिए इसके जस्ट बगल वाली सुई जो मोती है उसके ऊपर आएंगे और यहाँ से निकालते हुए एक बार निकालेंगे, फिर एक बार और निकालना है तो ऐसे साइड में आएंगे, एक बार और निकालेंगे। तो इस तरह से दो मोतियों से निकालते हुए हमें कवर करना है। फिर हम दो देखिए तीन मोती लेंगे, एक दो और तीन, तीन मोतियों को पहले पिरोएंगे और दूसरी जिधर हमारा धागा है उधर से नहीं पिरोना है, दूसरी साइड से ऐसे हमें निकालना है। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। तो देखिए फिर हम तीन दो मोतियों से पिरो के निकाल लेंगे सुई को, एक पिरोएंगे फिर दूसरी से पिरो के निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। फिर हम तीन मोतियाँ लेंगे और इसमें हम पहले अपोजिट साइड से हमें सुई को डालना है, जिधर धागा है उसके अपोजिट से हमें सुई को डालना है। तो जैसे धागा उधर साइड है तो हम इधर से कहते हैं सुई को देखिए डालेंगे और डालते हुए हमें टाइटली ऐसे खींच लेना है, जैसे हमारे टाइटली टाइट आए तो ऐसे करके खींच करके हम इसको पिरो लेंगे और पिरोने के बाद जो दो मोतियाँ ऊपर हैं उससे हम साइड में आएंगे। तो ऐसे करके पहले एक से आएंगे और फिर दूसरी के पास आ जाएंगे। तो ऐसे हमने दो मोतियों से हम पिरो लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए फिर से हम तीन मोतियाँ लेंगे और तीन मोती लेने के बाद फिर हमें एक साथ इसको पिरोना है दूसरी साइड से, जिधर धागा है उधर से नहीं डालना है, सुई की अपोजिट साइड से, धागे के अपोजिट साइड से हमें सुई को डालते हुए इसको निकालना है। फिर ऊपर जो दो मोतियाँ हैं उससे निकालते हुए हम उधर साइड चले जाएंगे। देखिए इधर आए, फिर एक मोती के और एक्स्ट्रा जाएंगे। इस तरह से हमें दो के हमें साइड में आना है और इस तरह से हमें ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने रो कंप्लीट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, हम इसके देखिए मोती के साइड में जाएंगे, तो ये इधर जाना है, हमें साइड में आना है, तो हम ऐसे साइड में आएंगे तो ऐसे आ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसे टाइट रखना है, और टाइट रखने के बाद हम इसमें तीन मोती लेंगे, तो ऐसे लेना है, एक दो और ये तीन, तीन मोती पिरोनी है। तीन मोती पिरोते हुए हमें ये देखिए ये जो हमने जहाँ साइड में आए यहाँ पे डालना है और ऐसे करके खींच लेना है, ठीक है। तो हमने इसमें तीन मोतियाँ पिरो ली और इसको टाइटली हमें खींच करके निकाल लेना है। अब देखिए हमने इसे ऐसे पिरो लिया है, पिरोने के बाद जो फर्स्ट वाली हमें दिख रही है उसमें हमें इसको मोतियों सुई को पिरोना है। अब फिर से हमें इसमें टू मोती इसमें पिरोनी है, तो ऐसे एक और ये दो, दो मोती हमने इसमें पिरोई। पिरोने के बाद हमें ये देखिए नीचे हम आएंगे, तो ये जो नीचे दिख रही है इसमें ऐसे सुई को डालना है और डालते हुए हमें इसको मिड से ऐसे करके निकाल लेना है। तो हम ऐसे पहले निकाल लेंगे, तो इस तरह से निकाल ली। अभी जो मिड वाली दिख रही है इसमें से ऐसे डालेंगे, यूं करके डालेंगे और ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये अब इसको टाइटली खींच देंगे, तो हमारे देखिए सुंदर सी स्ट्रिप कंप्लीट हो रही है। फिर हम ऐसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे, और फिर हम इसमें साइड वाले में जाएंगे, तो साइड वाले में ऐसे खींचेंगे, और खींचने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, हम ये जो नीचे वाली हमें दिख रही मोती इसमें ऐसे करके डालना है सुई को, डालते हुए हमें इसको पिरो लेना है। तो इस तरह से हमारे पिरोली हमने। अब इसमें हम फिर से टू मोती डालेंगे, और टू मोती डालते हुए हमें इसे फिर से, अब दो मोतियां हमने इसमें पिरोली। पिरोने के बाद जो जस्ट बगल में है इसमें हमें ऐसे करके ये सुई को डालना है, और मिड से ऐसे देखिए मिड से ऐसे करके हमें निकाल लेना है। तो हम ऐसे करके खींचते हुए निकाल लेंगे, और टाइट निकालते हुए हम इसको टाइट कर लेंगे, और फिर हम इसको साइड में लाएंगे सुई को। तो ऐसे मिड से निकालेंगे पहले, तो ऐसे करके हमें ये मिड से निकालना है, मिड से निकालते हुए हमें ऊपर आना है। तो ऐसे ये मिड से निकालेंगे, मिड से निकालते हुए हमें ये अब साइड में आना है, तो ये साइड में आते हुए हम ऊपर वाली मोती में आ जाएंगे। तो ये देखिए इस ऐसे यूँ निकालेंगे, अब दो मोतियाँ फिर से पिरोएंगे, और पिरोने के बाद अब ये नीचे वाली जो मोती दिख रही है इसमें से निकालना है, तो ऐसे करके निकाल लेंगे, और ये देखिए फोल्ड हो गई, इसको सीधा करेंगे और कस के टाइटली खींच देंगे। अब मिड वाली जो मोती है इससे निकालते हुए ऊपर आना है, तो हम ऐसे करके ये इससे मिड वाली से निकालेंगे, ये ऐसे करके मिड से निकालते हुए हमें जस्ट ऊपर आना है, तो जो ऊपर वाली मोती है इसमें आएंगे। और फिर ये नीचे वाली में आएंगे, तो इस तो ऐसे ही देखिए हमें खींचना है। खींचने के बाद हम इसमें यूँ देखिए इस वाली में पिरो लेंगे, और पिरो के निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने पिरो लिया, पिरोने के बाद फिर से हम दो मोती लेंगे, और लेने के बाद हमें ये देखिए हम यहाँ लाएंगे, और ये अब देखिए हमें क्या करना है, हम ये ऐसे करके ये हमने रखा है, और इसको यहाँ पे इस वाले में पिरोएंगे, ये जो मिड में दिख रही है यहाँ से पिरोते हुए हमें फिर नीचे से निकालते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब ये यहाँ से निकालेंगे, और निकालते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है, तो ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट करके जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तब फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो देखिए इस ट्रिप के लास्ट में है, तो हमने दो मोतियाँ इसमें पिरो ली हैं। पिरोने के बाद हम इसमें जाएंगे, और फिर जस्ट नीचे वाली
जाते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है, फिर यहाँ से आके साइड में ले आना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये कम्प्लीट कर लिया। फिर से हम दो मोतियाँ लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हम इसके जस्ट नीचे वाली में जाते हुए हमने दो मोतियाँ पिरो ली हैं और जाते हुए हम इसको निकाल लेंगे, और निकाल करके फिर हमें इसके नीचे वाले से ऐसे निकाल लेना है, मिड से निकालना है, और निकालते हुए हमें साइड में आना है। तो ये ऐसे करके हम साइड में आ जाएंगे, और साइड में आते हुए यहाँ पे आएंगे, खींचना है टाइटली, हमें रखना है जैसे हमारा थ्रेड ढीला ढीला ना हो, तो इस तरह से टाइट रखना है, और इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए हमें यहाँ पे साइड में आना है। अब दो मोतियाँ फिर से पिरोए मैंने, और ये साइड वाली उसमें डालेंगे, और यहाँ डालते हुए हमें ये निकाल लेना है, और निकाल करके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस वाली से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमारी पूरी सी स्ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए फिर से हम मोतियाँ लेंगे, और मोतियाँ लेते हुए हमें इसको इधर वाली जो ऊपर वाली है इससे ऐसे पिरोते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके हम ये निकाल लेंगे। मिड से निकालना है, तो इस वाली मिड वाली से ऐसे निकालते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए साइड में आएंगे, और साइड में आते हुए हमें इसमें अब मोतियों की लेयर डालनी है, तो हम इसमें मोती की लेयर डालेंगे। और आपको ये स्ट्रिप जितनी भी लंबी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप स्ट्रिप बना सकते हो। तो ये हमने माता रानी के लिए बनाया है, तो इसलिए हमें इतनी स्ट्रिप रखा है। अब इसमें मोतियाँ हम पिरो लेते हैं। तो इसमें हम मोतियाँ पहले पिरो लेंगे, तो हम इसमें 13 मोती इसमें पिरो। तो देखिए फर्स्ट लेयर में हमने ये 16 मोतियाँ पिरोई हैं, पिरो करके हम इसको दूसरे स्ट्रिप में, अब देखिए दूसरी स्ट्रिप लेंगे, उसमें हमें इसको अटैच करना है। तो हम ये देखिए ऐसे स्ट्रिप दूसरी उठाएंगे, और उसको ये फर्स्ट वाले जो मोती है उसमें पिरो लेंगे। ये ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे अब हम इसको पिरो लेते हैं। अब पिरोने के बाद हम दूसरी वाली मोती से निकाल करके दूसरी लेयर इसमें पिरोएंगे। तो ये देखिए ऐसे पहले हमें ज्वाइन करना है, जैसे अंदर ले जाते हुए हम इसमें सेकंड वाली लेयर में आएंगे, सेकंड वाली मोती में आएंगे, और वहाँ से हम दूसरी लेयर इसमें बनाएंगे। तो देखिए अब हमें इससे ऐसे मिड से निकालते हुए हमें सेकंड वाली जो मोती दिख रही है इसमें से निकालना है, और निकाल करके हमें फिर हम इसमें सेकंड लेयर इसमें डालेंगे, और सेकंड लेयर पिरो लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। निकालने के बाद अब इसमें हमें, जैसे हमने इसमें 16 पिरोई है वैसे इसमें भी पिरो लेते हैं। तो देखिए हमने सेकंड वाली में हमने ये पूरी 20 मोतियाँ पिरो ली हैं, और पिरोने के बाद अब इसको हमें सेकंड वाली मोती से अब माला में हम थर्ड लेयर पिरोएंगे। तो इसको ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। अब इसमें थर्ड लेयर देखिए हम थर्ड वाली मोतियों में डालेंगे, और डालते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे करके ये थर्ड वाली लेयर पे आएंगे, ये थर्ड वाली देखिए मोती पे आ गए। अब मोती पे आने के बाद अब इसमें हमें मोतियाँ पिरो लेनी है। तो इसको देखिए हम ऐसे करके हमने 26 इसमें मोतियाँ पिरोई हैं, और पिरोने के बाद ये हम थर्ड वाली मोती से निकालते हुए इसको ज्वाइन करते हुए फिर एक्स्ट्रा जो होगा वो हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए हमें इस तरह के पैच बनाने, जैसे हमने ये बनाए हैं सेम प्रोसेस से हमें बनाना है। तो हमने एक ये देखिए स्टोन रखा है, और अब इसके ऊपर हम आप कोई भी कलर का ऐसे करके पैच बना सकते हो, तो हम इजीली आपको बता रहे हैं। तो ये हमने ये स्टोन चेन लगाएंगे, स्टोन चेन लगाने के बाद इसमें फिर हम बल चेन लगाएंगे, और बल चेन की एक बार लेयर लगा लेंगे। थर्ड लेयर हम इस फिर से स्टोन चेन की लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लॉकेट बनेगा जो नीचे माता रानी के लगेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा हम बड़ा लॉकेट वो बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, और नीचे हम लटकन बनाएंगे। तो ऐसे करके इसको राउंड में लगाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए हम फोर फोर लेयर की हमने जर्कन की चेन ली, स्टोन चेन, और उसको हमें नीचे लगाना है, केवल ज़रा सा ज्वाइन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो वो लटकेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये ज्वाइन करते हुए इसको लगा लेंगे, और फिर बाद में हम इसको जब ड्राई होगा तो इसको सुखा लेंगे। तो केवल हमारी वन जो जो स्टोन है वो केवल ज्वाइन होगा, और तीन जो स्टोन है वो लटकेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें ये कंप्लीट करना है। अब इस तरह की डोरी बनाएंगे जो कि हम जैसे पहनाने के टाइम हम आराम से पहना सके, छोटा बड़ा कर सकते। तो ये देखिए तीन मोतियों के मिड वाली मोती में हम ऐसे करके ये नॉट पहले लगा करके इसको हमें ऐसे सिक्योर कर लेना है। तो ये ऐसे करके हम कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये टाइटली करना है, और टाइटली करने के बाद अब हमें फ्रंट में लाएंगे, इसको हमने बैक में किया है, अब फ्रंट में लाएंगे। फ्रंट में लाते हुए हमें इसमें देखिए मिड में लाना है। तो ये हम मोती के मिड में ऐसे ले आएंगे, तो इस तरह से मिड में ले आए। अब इसी में हम मोतियाँ पिरो लेंगे, और पिरोने के बाद फिर हम इसमें जो हमारा कहते हैं वो जो धागा है वो एक्स्ट्रा करके हम इसको कट कर लेंगे, नॉट लगा के हमें कट कर लेना है। तो जितनी हमने मोतियाँ इधर पिरोई हैं उतनी हम पहले पिरो लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने 15 मोतियाँ पिरोई हैं। पिरोने के बाद हम सेकंड वाली मोती में देखिए ऐसे लास्ट की सेकंड वाली मोती में ऐसे डालेंगे, और फर्स्ट वाली मोती में निकालते हुए हमें इसमें नॉट लगा के कट कर लेना है। तो ऐसे करके हम कट करके निकाल लेंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमें नहीं कट करना है। इसी को हमने क्योंकि फोर लेयर का ये थ्रेड लिया है, और इसको बस सुई केवल जो है उतना हम निकाल लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो हम कट कर लेते हैं। हमें पेस्ट करना है पैच को, तो हमने कट कर लिया था, अब यहाँ पे हम पैच पेस्ट करेंगे। तो जहाँ हमने शुरुआत है मेरी स्ट्रिप की, वहाँ से ऐसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, एक बार ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं, और ऐसे भी लुक अच्छा लग रहा है। तो ये हम जो हमने बड़ा वाला पैच बनाया है इसको लेंगे, और यहाँ पे मिड में लगा लेना है। तो हम ग्लू लगा के इसको लगा देंगे। तो ये फैब्रिक ग्लू हमने लिया है, इसी से हम पेस्ट करें। तो ये ड्राई होगा तब फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हार कंप्लीट हो गया, और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन रहे जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री